कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी ऐसा लगता है, पूजा पाठ करना है और इससे पॉजिटिविटी आती है, घर में रौनक सी छा जाती है पूजा करने से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी पूजा हो गई, अब मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो माता रानी का दर्शन मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा फलाहार, बनाऊंगी आलू से और मूंगफली से, जो कि आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा ये लगता है खाने में भी, तो आप इसको ले सकते हैं। और मैं आज साड़ी पहनी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है। आज मैंने साड़ी पहना है, साड़ी पहनना अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा काम करने वाली जी फील होता है, लेकिन साड़ी तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने साड़ी पहनी, मैं सोच रही हूँ कि दो चार दिन तक साड़ी पहनूंगी, देखती हूँ पहन पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मन होता है पहनने का तो मैं साड़ी पहनूंगी। और जो मैं रेसिपी भी बनाऊंगी आप लोग जरूर बनाइएगा, जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा फलाहार बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कढ़ाई में हमने 2 चम्मच के करीब में घी डाल दिया, घी को अच्छे से गर्म कर देंगे। और हमने पहले ही आलू को बॉयल करके और कट करके रख लिया था, तो इसमें हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। इसे हम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लें जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाने से खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए क्रिस्पी हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। और मैं एक लोगों के लिए बना रही हूँ, आप जितने लोगों के बनाइए उसी के हिसाब से आलू वगैरह भी आप डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इसी घी में, अब घी नहीं डालना है, जीरा, और डालूँगी हरी मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता भी डालूँगी। और इसे अच्छे से हम मूँगफली डालकर इसमें अच्छे से भून लेंगे जब तक क्रैकर ना हो, तड़कने ना लगे मूँगफली। मूँगफली को अच्छे से भूनना है हमें, तो भून लेंगे। तो देखिए भून गया है, अब इसमें हम आलू को ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का सा आप इसे ले सकते हैं, नहीं तो फिर और भी साबुदाने की खिचड़ी वगैरह भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये ना इसके साथ खाने से चाय के साथ अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंची भी क्रंची लगता है। तो देखिए तैयार हो गया, थोड़ा सा हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया, इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा और टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो हमने नींबू का रस डाल दिया, अब इसे हम भून लेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। चलिए हो गया, देखिए हमने ऊपर से, आप चाहे तो ऊपर से धनिया पत्ती भी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक अच्छा सा नाश्ता बनके चाय के साथ इसे हम व्रत में ले सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर रहा है मेरा आईडी, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सुबह शाम जब भी खाना चाहे व्रत में इसे बना के खा सकते हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप आलू बॉयल करके रख ले और साथ में साथ आप साबुदाने को भिगो के थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रख ले, तो आपका 2-3 दिन तक आपको ये इंटेंशन नहीं रहेगा कि मुझे साबुदाना भिगोना है या आलू बॉयल करना है, तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाएगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम में कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, आरती वगैरह करूँगी, तो फिर आप लोगों के साथ। तो ये शाम का टाइम है तो मैं आरती करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले भगवान जी का जो मैंने कपड़ा उतारा था उसे मैं धो लूँ, तो धोकर उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और आरती वगैरह करने, क्योंकि ये धुल जाएगा तो इसे मैं सुखा के रख दूंगी, क्योंकि ऐसे नहीं धुलने से इधर उधर पड़ा रहेगा, तो इसे धोकर मैं हटा ही लेती हूँ, तो वही मैं धो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।